नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति की पूजा करने का है। अलग अलग विधान बिना अंतर जाने पूजा करना दे सकता है अशुभ फल। जी हाँ मित्रों, आपको अगर ये जानकारी आज तक नहीं पता है तो आपको ये वीडियो पूजा जरूर देखना चाहिए। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती? अगर कर रहे हैं जानकारी के अभाव में, तो आपको आज हम सही जानकारी देने वाले हैं। पूजा बने रहें मित्रों। भगवान शिव हिंदू धर्म में इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके प्रतीकात्मक स्वरूप यानी शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी हाँ, मगर बहुत से लोग शिवलिंग की बजाय भगवान शिव की मूर्ति की भी पूजा करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर इस बात से अनजान रहते हैं कि शिवलिंग की पूजा और भगवान शिव की मूर्ति की पूजा के अलग अलग तरीके हैं। तो क्या हैं वो अलग तरीके, क्या है उनकी पूजा में अंतर, देखते हैं। मित्रों, बहुत से लोग हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन पूजा के लिए मंदिर नहीं जा पाते और कठोर नियमों के कारण वो घर में शिवलिंग भी नहीं स्थापित करते हैं। लेकिन कई लोग घर में भगवान शिव की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं और पूजा में वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने का तरीका और शिवलिंग की पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। इस तरह गलत तरीके से पूजा करने से उन्हें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है या फिर पूजा का लाभ पाने से वो चूक सकते हैं। आपको बता दें मित्रों, शिवलिंग की पूजा आराम से आसन पर बैठकर नहीं की जाती है। पूजा के दौरान लोग घुटनों के बल बैठकर या खड़े होकर भी करते हैं, लेकिन अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपको इसे अन्य सामान्य पूजा की तरह आराम से आसन पर बैठकर करना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा आदमी और औरत दोनों कर सकते हैं। भगवान शिव की मूर्ति पूजा में आप मूर्ति की पूरी परिक्रमा करते हैं, जबकि शिवलिंग की पूजा में आधी परिक्रमा का ही विधान है। शिवलिंग की पूजा में दूध, दही, खीर, केसर इत्यादि बहुत कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जबकि भगवान शिव की मूर्ति पूजा में केवल जल अभिषेक का ही विधान है। भगवान शिव की पूजा में उन्हें वस्त्र अर्पित किया जाता है, जबकि शिवलिंग की पूजा में वस्त्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की मूर्ति पूजा में उनके साथ माता पार्वती की मूर्ति भी विराजमान की जाती है। शिवलिंग की पूजा में भगवान शिव की ऊर्जा की पूजा की जाती है। हालांकि पुराणों के अनुसार शिवलिंग में भगवान शिव का पूरा परिवार वास करता है। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा उन्हें घर के मंदिर में अन्य भगवानों के साथ स्थापित कर की जा सकती है, लेकिन शिवलिंग को न तो घर के मंदिर में स्थापित किया जाता है और न ही उन्हें स्थापित करने का विधान आसान है। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा का अर्थ है कि उनकी ऊर्जा के साथ साथ उनके भौतिक गुणों की भी आराधना करना, जबकि शिवलिंग का कांसेप्ट बहुत ही अलग है। वह एक ऊर्जा का स्वरूप है, वह प्रकृति और पुरुष के संयोजन का प्रतीक है, वह निराकार शिव का स्वरूप है। भगवान शिव की मूर्ति की तुलना में शिवलिंग का सिद्धांत बहुत ही विस्तृत और आध्यात्मिक है। शिवलिंग के आसपास का क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से भरा होता है। शिवलिंग बहुत हद तक विज्ञान के ऊर्जा फील्ड के कांसेप्ट से भी जुड़ा है। भगवान शिव के अनंत, निराकार और असीमित स्वरूप से भी जुड़ा है, इसलिए इसकी ना तो सामान्य रूप से घर में स्थापना की जा सकती है और ना ही इसकी ऊर्जा को मेंटेन किया जा सकता है। इसकी तुलना में भगवान शिव की मूर्ति के सामने पूजा पाठ करना, उन्हें घर के मंदिर में स्थान देना आसान और सहज है। तो मित्रों, आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।